हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसे कि इससे जो पहले वाला वीडियो था ग्रामर पोर्शन से, उसमें मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के भी कितने पार्ट्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने आपको जानकारी दी थी ना। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे टेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा बैक में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस किसे कहते हैं, यानी चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। और टेंस जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन थ्री टेंसेस के फोर पार्ट्स होते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो अब बहुत ज़्यादा डीपली में ना जाते हुए हम इसका जो इसके टेंसेज हैं उसमें से जो है एक एक टेंस को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, यानी आज हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में कि क्या उसकी आइडेंटिटी, हालांकि ये मैंने ब्रीफली आपको बताया हुआ है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अब हम एक एक टेंस को अलग अलग, उसके मतलब जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको अलग अलग पढ़ेंगे। सो वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टेंस होता है इनडेफिनिट, यानी ऐसे टेंस जिनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, सर्टेन नहीं होता। मैंने जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कब से पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूंगा कुछ पता नहीं, यानी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है इसमें, ये इनडेफिनिट है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई समय उनका फिक्स नहीं होता वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन में ता है, ती है और ते हैं। इन वर्ड्स से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, जैसे वह खाती है, वह जाता है, वह सोते हैं, यानी जो भी काम हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें डू और डज, इनका यूज़ होता है। अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि डू और डज का यूज़ कैसे आप किसके साथ करोगे, किसको सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करोगे और किसको प्लूरल नंबर के साथ। हेल्पिंग वर्ब डू डज इज यूज्ड इन ओनली निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू और डज का यूज़ निगेटिव यानी नकारात्मक और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में होता है। ये कुछ स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एग्जांपल राइट किए हैं, जैसे राम अंग्रेजी सीखता है, राम लर्न्स इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। जैसे आपको पता होगा सेंटेंसेस जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव। सो ये सिंपल सेंटेंस है, राम अंग्रेजी सीखता है, राम लर्न्स इंग्लिश। सेकंड, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, यानी डू आई टीच इंग्लिश, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देन, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। तो इन सेंटेंसेस में आप डू और डज का यूज़ भी देख रहे हैं, आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिंपल सेंटेंस में हमने डू डज का यूज़ नहीं किया, ओनली एस या ई एस का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव में डू का यूज़ किया, देन निगेटिव में भी डू का यूज़ किया।
साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनके एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। स्क्रीन पे देखिए, मैंने ये राइट किया हुआ है, ऐसे डबल एस 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 एच कॉमा सी एच कॉमा ओ कॉमा टी एच कॉमा जेड कॉमा डबल जेड कॉमा एक्स इटी सी। इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस। और अदर्स के साथ क्या यूज़ करेंगे? एस। यदि वर्ब के अंत में वाई हो, अगर वाई होगा तो ई एस का यूज़ होगा। जैसे फ्लाई है तो फ्लाइज हो जाएगा, क्राई है तो क्राइज हो जाएगा। या मतलब ऐसा भी आपको मैं इसको ऐसा भी बता सकती हूँ कि अगर वाई है लास्ट में तो आई ई एस का यूज़ करेंगे। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, जैसे फ्लाई है तो फ्लाइज हो सकता है, हो जाएगा, क्राई है तो क्राइज हो जाएगा, फ्राई है तो फ्राइज हो जाएगा। यदि वर्ब के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो ई एस का यूज़ होगा, आई वी एस का। मतलब ई एस का यूज होगा उसमें। जैसे वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, लाइफ है तो लाइफ्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए, ये मैंने दो कॉलम बना रखे हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर आपका ही शी इट, इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, दिस दैट। और प्लूरल में आपका मे आई वी दे यू दीज दोज। ठीक है, तो ये मैंने जो है क्लासिफिकेशन कर दिया है सिंगुलर नंबर देन प्लूरल नंबर। अब जो सिंगुलर नंबर हैं इनके साथ आपको एस या ई एस का यूज़ करना है, एंड जो प्लूरल नंबर हैं उनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। आप अपने उस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और सिंगुलर के सामने मैंने एस या ई एस के सामने राइट का मार्क लगाया है, देन प्लूरल में मैंने एस या ई एस के आगे क्रॉस, यानी इसको यूज़ प्लूरल के साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब देखिए, इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो डू डज का यूज़ कैसे होगा? देखिए, सिंगुलर नंबर जो है आपके ही शी इट दिस दैट या वन नेम, उनके साथ डज का यूज़ होगा प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। प्लूरल नंबर जैसे आई वी दे यू दीज दोज या टू मोर देन टू नेम्स, इनके साथ डू का यूज़ होगा और वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दिया है कि सिंगुलर नंबर के साथ आपको एस या एस का यूज़ करना है, देन प्लूरल नंबर के साथ एस या एस का यूज़ नहीं करना। निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ, और प्लूरल नंबर में डू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। जैसे कि हर टेंसेस में जो है वो फोर तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। और वो इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे डू या डस से, देन इंटेरोगेटिव निगेटिव, या इंटेरोगेटिव जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स मैंने राइट किए हुए हैं, राम अंग्रेज़ी सीखता है, राम लर्न्स इंग्लिश। अब राम क्योंकि सिंगल नेम है तो लर्न के साथ हम क्या एस का यूज़ करेंगे, इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस, तुम शिक्षक बनना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। इसमें एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो यहाँ प्लूरल नंबर है, यू है। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट
प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं, वह सुबह अखबार नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ही के साथ डज आएगा, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया है, ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। तुम गाना नहीं गाते हो, यू है इसलिए डू नॉट का यूज़ होगा, सिंग अ सॉन्ग, एस या एस का यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्लूरल नंबर में एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, यानी डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। अब आप कहेंगे जी डू क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ डू का ही यूज़ होता है, इसलिए इंटरोगेटिव में भी यू से बिफोर हमको क्या लगाना है, डू लगाना है। फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, पहले वो जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उस हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी इंग्लिश शुरू की जाती है। जैसे इसमें है, क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, तो यू के साथ डू का यूज़ होता है इसलिए हम उसको डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। और दूसरे सेंटेंसेस जो होते हैं वो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें सेंटेंसेस के बीच में कब कौन कहाँ या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई ऐसा वर्ड आता है जिसकी इंग्लिश हम बिफोर सबसे पहले वो राइट करते हैं, देन डू या डज राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी देखिए, जो भी हमने पहले रीड किया था वो इंटरोगेटिव था, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, बट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा क्योंकि जो आपका सेंटेंस है उसमें सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, क्या मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता हूँ, डू आई नॉट वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर। अगर ये सेंटेंस ये होता, मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता हूँ, तो सेंटेंस आपका होता आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर, बट ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें क्या वर्ड भी है और नहीं वर्ड भी है, इसलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सो ये इस तरीके से राइट होगा, डू आई नॉट वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर। अब अभी ऊपर मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था डब्ल्यू एच फैमिली, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले मैं आपको बताऊँगी, उसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं प्लस डू डज आते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, अब देखिए इसमें सेंटेंस आ रहा है, तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, क्यों वर्ड जो है वो आपके सेंटेंस के बीच में है, तो इट मीन्स कि डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब कि जो क्यों वर्ड है इसका जो इसकी जो इंग्लिश होगी वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगी। अगर ये सेंटेंस होता क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अगर क्या शब्द पहले आया होता तो इसकी स्टार्टिंग डू से होती, लेकिन क्या वर्ड नहीं है, क्यों वर्ड है और वो भी सेंटेंस के मिड में है, बीच में है, तो क्यों वर्ड की इंग्लिश पहले आएगी, वाई, फिर डू या डज में डू यू वांट टू लर्न एस ए एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नंबर है इंग्लिश। अब अगर ये सेंटेंस यूं होता, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना चाहते हो, तो वाई डू यू, यू के बाद आप नॉट लगा देते, वांट टू लर्न इंग्लिश, तो वो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका होता। ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे डब्ल्यू एच फैमिली से, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वो हिंदी में सेंटेंस में पहले क्या शब्द आएगा, और जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस के बीच में
कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आएगा जिसकी इंग्लिश हमको पहले लिखनी है, उसके बाद डू या डज राइट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्ट्रक्चर और ये रूल्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, तो आई थिंक जो भी आपकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इन टेंसेस के बाद, जो ये टेंस मैंने आपको बताया है, इसके बाद मैंने एक्सरसाइज जो है वो स्क्रीन पे डाली हुई है। ये जो वीडियो है ये क्लास 7th और 8th दोनों क्लास बोथ ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको आप करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसमें क्या आपको सेंटेंसेस में क्या प्रॉब्लम्स आई या आपने बनाया, तो मैं इन ये जो है आपका लेसन, ये वीडियो आपका फिनिश करती हूँ और होप करती हूँ कि ये सेंटेंसेस इजीली आप मेकिंग कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।